नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर रिसेंटली जेई एडवांस में क्वेश्चन आया होता ठीक है तो इस ग्राफ से हमें और भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है इन दो प्रोसेस के बारे में देखो तो कर्व नंबर वन ये फिजिकल एड्जॉपन के लिए है और कर्व नंबर टू केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए तो फिजिकल एड्सॉर्पन क्योंकि वीक वॉन्डरवॉल फोर्सिस की वजह से होती है तो डिस्टेंस के साथ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो देखो जब दो पार्टिकल या एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो उनके बीच में क्या होगी सिर्फ वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ही एक्ट कर सकती है तो उस टाइम उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्लोज टू जीरो है ठीक है बट नॉट एक्जेक्टली जीरो अब धीरे धीरे पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं या दोनों सरफेस आपस में क्लोज आ रहे हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी क्यों क्योंकि वॉन्डरवॉल्व फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन आएगी पर वीक अट्रैक्शन है तो एनर्जी धीरे 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 कम होती जा रही है ठीक है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो जब आ जाएंगे इस डिस्टेंस तक जब वो आते हैं तब उनके बीच में जो वॉन्डरवॉल्व फोर्स है वो मैक्सिमम पे है उससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती इससे ज्यादा अगर क्लोज आए तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपल्शन स्टार्ट करते हैं तो इस पॉइंट तक यहां तक क्या है वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही हैं रिपल्शन कम थी इस पॉइंट के बाद वॉन्ड्रॉल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी क्योंकि रिपल्शन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ठीक है तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन चल रही है बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी दैट्स ऑल अब अगर हम केमिकल एड्पन की बात करें तो केमिकल एड्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना है और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ठीक है तो ऑप्शन का जो ग्राफ है वो जीरो के पास से स्टार्ट नहीं होता वो हाई बड़े हाई लेवल से स्टार्ट होता है ठीक है क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए कुछ बॉन्ड पहले तोड़ना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो इसका ऑलरेडी प्रोफाइल जो एनर्जी है वो हाई से स्टार्ट हुई और केमिकल बॉन्ड कब बनता जब दो स्पीशीज काफी क्लोज होते हैं तो कैमिज ऑप्शन काफी कम डिस्टेंस पे ऑपरेट करती है तो यहां से एनर्जी का ग्राफ ग्राफ आया ये नजदीक आ रहे हैं नजदीक आ रहे हैं इनके पीछे क्या हो रहा है अट्रैक्शन बढ़ रही है केमिकल बॉन्ड बन रहा है और केमिकल बॉन्ड क्योंकि काफी स्ट्रांग होता है वॉन्डर वॉल्व फोर्स से तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी नीचे तक गई तो दिस इज द दे डेल्टा एच एड्सॉप्शन फॉर कैमिस्ट ऑप्शन ठीक है काफी देखो ज्यादा नेगेटिव है एंड दिस इज दे द डेल्टा एच एड्स ऑप्शन फॉर फिजिज ऑप्शन ठीक है स्मॉल वैल्यू तो ये याद रखना कि फिजिज ऑप्शन का एंथेलपी छोटी होती है मिज ऑप्शन की ज्यादा होती है क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और केमिज ऑप्शन काफी स्मॉल डिस्टेंस या काफी क्लोज आने पे ही होती है क्योंकि तभी जाके दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैप है जो भी था वो पॉसिबल हो पाएगा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर केमिकल एड्सॉप्शन को अपने आप होना है अकेले होना है बिना किसी हेल्प के तो स्टार्टिंग में आपको इतनी हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा ठीक है इतनी हाई एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा है तो इसलिए ऑप्शन होने के चांस काफी कम हो जाएंगे ठीक है अब एक और तरीका हमारे पास केमिज ऑप्शन से ना स्टार्ट करते हुए क्यों हम फिजिकल ऑप्शन से स्टार्ट करें तो मॉलिक्यूल जब नजदीक आ रहे हैं तो वॉन्डरवॉल फोर्सेज की वजह से आ रहे हैं तो यहां से चलते 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 वो इसी फिजिकल एड्सॉप्शन वाले ग्राफ पे चले हुए हम यहां से आया और यहां पे जब दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां से उन्होंने ग्राफ बदल लिया यहां तक वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की वजह से आ रहे थे इसके बाद वो केमिकल एड्जॉप वाले कर पे चला गया प्रोसेस ठीक है तो स्टार्टिंग में ये प्रोसेस फिजिकल एड्जॉप्शन था उसके बाद ये केमिकल एड्सॉप्शन पे कन्वर्ट हो गया इसका फायदा क्या हुआ आपको यहां से नहीं चलना पड़ा ठीक है आपको कितना ऊपर जाना पड़ा पॉजिटिव में सिर्फ इतना डिस्टेंस तो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी उसी में काम हो गया ठीक है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में केमिकल एब्जॉर्प्शन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन की हेल्प से स्टार्ट होता है और लेटर ऑन ये केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक तो है तो ग्राफ क्लियर आए आप सबसे पहले नोट डॉन दिस ग्राफ अब देखो तो अब अगर हम यहां इसकी पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखे तो कर वन में क्या था फिजिकल एड्सॉप्शन में लार्ज डिस्टेंस पे कोई अट्रैक्शन नहीं थी जैसे डिस्टेंस डिक्रीज किया वॉन्डर वॉल इंट्रेक्शन डेवलप हुई लीडिंग टू एनर्जी मिनिमम एनर्जी ड्रॉप हुई तो आई डेल्टा डेल्टेच एड्सॉप्शन फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन उसका और नजदीक आए तो मॉलिक्यूलर रेडियस ऑफ द वेपर्स दोनों स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप किए जिससे कि रिपल्शन हुई तो रिपल्शन जैसे पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ना स्टार्ट हुई कर्व टू में क्या है केमिकल एड्सॉप्शन एक स्पेसिफिक देखो केमिकल एड्प्शन सबके साथ नहीं होती कि कोई भी सरफेस पे कोई भी आके केमिकल एड्सॉर्ब हो जाए नो no. क्योंकि बॉन्ड्स किन पर्टिकुलर केसेस में ही बनते हैं सभी में नहीं बनते तो ये स्पेसिफिक केसेस में ही होती है तो इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक इंटरक्शन बिटवीन द एड्समेंट एंड द एड्सॉर्बेट और क्योंकि स्पेसिफिक इंटरेक्शन है तो इंटरेक्शन बड़ी स्ट्रांग होती है स्ट्रांग होगी तो डेल्टा एच एड्सॉप्शन भी काफी बड़ी वैल्यू आएगी तो काफी डीप होगा उसका ग्राफ ठीक है नेगेटिव में एंड द टू एड्सॉप्शन प्रोसेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के दोनों ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंट है बिल्कुल कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से होते हैं जैसे फिजिकल एड्सॉप्शन से स्टार्ट होता है प्रोसेस और वो धीरे धीरे केमिकल एड्सॉप्शन में कन्वर्ट हो जाता है ओके नाउ राइट इट डाउन ठीक है अब इसका जस्ट हम डिफरेंस करेंगे और दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर ठीक है उसके बाद फिर हम नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे तो देखो डिफरेंस के हमारे पास पॉइंट है पहले तो फिजिकल एब्सॉर्प्शन इट इज कॉज बाय इंटरमोलिकल वॉटर वॉल्व फोर्सिस केमिकल एब्सॉप्शन कॉज बाय केमिकल बॉन्ड फिजिकल एब्सॉप्शन स्पेसिफिक नहीं है मतलब जो मर्जी आया आने दो क्योंकि वॉन्डर वॉल्व फोर्सेज सभी के बीच में लग जाती है ठीक तो है तो चाहे ए गैस आ रही है बी आ रही है सी आ रही है डी जो मर्जी गैस थी सबके साथ ये जो भी लिक्विड था केमिकल बॉन्ड सबके साथ नहीं बनता किसी के साथ बनेगा किसी के साथ नहीं बनेगा तो केमिकल एड्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या था आए सरफेस पे चिपके अगर हीट किया नीचे से तो फिर से खिसक गया बाहर फिर ठंडा कर दिया फिर आके नीचे बैठ गए ठीक है तो ये ऐसा ही है कि पानी को गर्म किया तो वेपर बन गए ठंडा किया तो कंडेंस हो गया तो ये रिवर्सिबल है एड्जॉर्प्शन करवा लो फिर डिजॉर्प्शन करवा लो केमिकल एड्जॉप में क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन गया तो ये इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते इट तो इज इिवर्सिबल अब फिजिकल एड्जॉप्शन नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है यस क्योंकि आ, कोई गैस ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्ब होगी कोई नहीं ठीक है तो जो गैसेस ज्यादा अच्छे से या ज्यादा ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं वही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब भी होती हैं तो मतलब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन एंड ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर एक जैसा आएगा ठीक है तो मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेज आर एब्जॉर्ब ईजिली और रेडिली केमिकल में भी सेम है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है बिकॉज कुछ के साथ बॉन्डिंग होगी कुछ के साथ नहीं बनेगी ठीक है डेल्टा एच फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लो होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में हाई होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर कम चाहिए क्यों अगर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल खिसक जाएगा ठीक है क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के ग्राफ में हमें कहीं पर भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए थी कहीं भी नहीं चाहिए ठीक है पर केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना ठीक है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है क्योंकि अगर हाई नहीं होगा तो वो थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तो केमिकल एड्जॉप्शन में चर थोड़ा सा हाई चाहिए ओके ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी तो ये यही कॉन्सेप्ट सेकंड में आ गया पॉइंट पे Eighth में फिजिकल एड्सॉप्शन जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा एड्सॉप्शन होगी क्योंकि मॉलिक्यूल पे जितना प्रेशर होगा नीचे की तरफ उतनी जल्दी वो सर्फेस पे एक्च्यूमिलेट होंगे ठीक है तो हाई प्रेशर इज फेवरेबल दोनों में फेवरेबल होता है देन इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया ियसली जितना ज्यादा सर्फेस एरिया होगा उतनी ही एड्सॉप्शन ज्यादा होगी और फास्ट होगी फिजिकल में मल्टीलेयर बनता है पर केमिकल में सिर्फ मोनोलेयर फिनोमिना ठीक है तो नाउ यू कैन पॉज दीडियो एंड नोट इट डाउन तो फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन ठीक है तो तब तक आपका फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन इसका मैकेनिज्म जो एनर्जी ग्राफ था दैट शुड भी परफेक्टली क्लियर ओकेस्ट क्लास Thank you. Have a nice day.